और इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां यूपी के मौलाना ने भड़काऊ तकरीर दी है। अब मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही विवादित बयान दे दिया। मौलाना तौकीर रजा की भड़काऊ तकरीर, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। पीएम के चुप रहने से हालात बिगड़ गए हैं, सब कुछ देखकर भी पीएम आखिर चुप क्यों हैं? तौकीर रजा की ओर से कहा गया है, ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने 17 जून को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को भी शामिल करने का प्लान बनाया गया। इंटेलिजेंस को रिपोर्ट भी ऐसी मिली है जिसके चलते प्रशासन पहले ही एहतियातन सतर्क है। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। मोदी के खिलाफ जहरीला गैंग साथ, मौलाना का बंद होगा नफरती तराना, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है। मौलाना मंच पर आया, कौम को भड़काया, जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। बरेली का भड़काऊ मौलाना सोमवार को जयपुर में था, इस दौरान उसकी जहरीली तकरीरों से देश का माहौल बिगड़ने का ट्रेलर नजर आ रहा था। आज कलयुग का धृत राष्ट्र नरेंद्र मोदी, जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। जयपुर के करबला मैदान में जब अमन और इंसाफ की आड़ में भड़काऊ तकरीरें दी जा रही थी तब भीड़ तालियां बजा रही थी। कार्यक्रम में नुपुर शर्मा का मुद्दा छाया रहा। मौलाना ने मंच से साफ कह दिया कि जब तक नुपुर शर्मा सलाखों के पीछे नहीं जाती तब तक मुसलमान चुप बैठने वाला नहीं है। पार्टी से बरतरफ कर दिया गया, जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा ने हनुमान चालीसा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हनुमान चालीसा तुमने हनुमान के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए पढ़ी थी। हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। जय हनुमान जानमुन सागर पढ़ो, हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। ये वही बरेली का जहरीला मौलाना है जिसने कहा था कि 10 जून तो ट्रेलर है, असली पिक्चर 17 जून को दिखाएंगे। इस बीच 13 जून वाली ये तकरीर सरकार और प्रशासन को अलर्ट करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।